मरियोपोल ड्रामा थिएटर पर एयर स्ट्राइक थी, रूसी बॉम्बर्स की क्रूरता सबसे बड़ी खबर है। ये ड्रामा थिएटर के बाहर रूसी भाषा में किड्स लिखा गया था, सीधे वहां पर शॉट दिखाएं जरा वो वाला ड्रामा थिएटर, ये देखें आप किस तरीके से यहां पर किड्स लिखा हुआ था। ये जो एरो आप देख रहे हैं ये किड्स लिखा हुआ है, ड्रामा थिएटर के अंदर कई बच्चों की मौजूदगी की वजह से लिखा गया था किड्स। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि रूसी भाषा में लिखा है किड्स। रशियन बॉम्बर्स ने इसके बावजूद भी ड्रामा थिएटर पर बम गिराया, ये रशियन एयरक्राफ्ट के लिए लिखा गया था जिससे कि उनको दिख जाए कि यहां पर अंदर बच्चे हैं, इसके ऊपर बम्बार्डमेंट नहीं होना है, ये उनका सेफ जोन है। मैं जाऊंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल और वो विजुअल जो बाहर के अटैक का, ये दोनों लेकर, दोनों ब्रेकिंग दोनों विजुअल के साथ मैं विष्णु सर के पास चलूंगा। विष्णु सर, मैं बार बार एक सवाल पूछता हूं, हु विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, लेकिन ये कौन सी सोच है सर? इट इज मेंशन्ड कि वहां पर किड्स है और एंड और स्टार्ट दोनों में लिखा हुआ है, आपने भी वो आई एम प्रीटी श्योर वो तस्वीरें भी देखी होंगी, ये सोच क्या है सर? व्हाट इज दिस थिंकिंग? निशांत जी नमस्कार, इससे पहले मैं इस चीज़ पे टिप्पणी करूं, मैं आपको और पूरी टीवी 9 भारतवर्ष की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बड़े फख्र का दिन है कि दर्शकों ने आपको नंबर वन पोजीशन पे लाए हैं, इसलिए कि जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो निष्पक्ष है, आप ग्राउंड जीरो से करते हैं और आपका विश्लेषण जो है वो पार एक्सेलेंस है। कॉम्प्लीमेंट्स, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, बट यू आर अ बिग रीजन फॉर इट, आप लोगों की मौजूदगी और आप लोगों का एनालिसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो द फैक्ट कि जो चीज़ें हम अगले 2 दिन में 3 दिन में अखबारों पे या कहीं पर एडिटोरियल में आपको पढ़ते, अब हमारे सामने आप रोज आते हैं, हमें बताते हैं, इट गिव्स अस अ डायरेक्शन सर। थैंक यू वेरी मच। वेल, यू आर ऑलवेज वेरी पोलाइट एंड वेरी सेल्फ एफेसिंग, बट गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर टीम। थैंक यू सर। अगर जो हुआ है ये जानबूझ के हुआ है, मैं अगर इसलिए कह रहा हूँ कि इन द फॉग ऑफ वॉर कुछ भी संभव है, अगर ये हुआ है जानबूझ के टारगेट किया गया है और ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, डिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये नरसंहार है और ये किसी भी सूरत पे बर्दाश्त नहीं हो सकता। पर मैं ये अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ, इट्स अ होप अगेंस्ट होप, कि जो मर्जी हो कोई भी ऑक्यूपाइंग फोर्स या कोई भी इन्वेडिंग फोर्स इतनी जालिम नहीं हो सकती कि जानबूझ के बच्चों पे वार करे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नहीं हुआ है, पर अगर हुआ है तो बहुत ही निंदनीय है और बहुत अनफॉर्चुनेट है। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, मैं सीधे यहाँ पर बिग बॉल दिखाना चाह रहा हूँ, ड्रामा थिएटर पे जो एयर स्ट्राइक हुई है ये कितनी ज्यादा, ये मुझे लगता है कि कहीं ये इस युद्ध का ये टर्निंग पॉइंट तो नहीं है, लेकिन ऐसे न जाने कितने टर्निंग पॉइंट्स आएंगे अगर सामने वाला जो इंसान है या रूलर है वो रूथलेस है और दूसरा जो है वो अनकम्प्रोमाइजिंग है। दोनों ही केसेस हैं यहाँ पर, सीधे दिखाइए यहाँ पर आप सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ेलेंस्की ताली तो बजवा रहे हैं लेकिन इन सारी चीजों पर गौर नहीं कर रहे हैं। पुतिन वहां पर सैंक्शन से निपटने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन ये बॉम्बिंग भी कर रहे हैं। मरियोपोल में ड्रामा थिएटर और स्विमिंग पूल आप जो है रूसी हमले में बुरी तरह ध्वस्त हो गए। चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से राहुल, यहां पर हमले के वक्त ड्रामा थिएटर के बेसमेंट में 1000 लोग मौजूद थे। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर शरण लिए हुए 1000 लोगों में से 80% बच्चे और महिलाएं थी। नेक्स्ट चेंज करें, आप युद्ध के दौरान मरियोपोल का ये ड्रामा थिएटर शेल्टर हाउस बना हुआ था जिसके स्टिल्स हम आपको वहां पर दिखा रहे हैं। यहां पर ये देखें आप, मैं थोड़ा इस तरफ आऊंगा चल के, ये देखें ये रशियन भाषा में किड्स लिखा हुआ था, यहां पर इसकी स्टार्टिंग में यहां पर रशियन भाषा में यहां पर किड्स लिखा हुआ था, यहां पर भी रशियन भाषा में किड्स लिखा हुआ था। ये इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि फाइटर प्लेन जब ऊपर से जाते हैं तो उनको दिख जाए कि भैया यहां पर बच्चे हैं, लेकिन नहीं, रशियन बॉम्बर्स रूथलेस हैं। यही काम उन्होंने सीरिया में किया, यही काम उन्होंने चेचनिया में किया, अब यहां पर एयर स्ट्राइक्स में धाराशाही हो रहे हैं। युद्ध के दौरान मरियोपोल का ये ड्रामा थिएटर शेल्टर हाउस बना हुआ था। चेंज कर इसको राहुल बड़ा तेजी से, हमारे पास जो फैक्ट्स हैं, मरघट बना मरियोपोल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।